प्यारे विद्यार्थियों, तुहाडे सारिआं दा अज दे इस लैक्चर विच स्वागत है। मैं अजय कुमार, मैथ लैक्चरर, वुमेन गर्ल सीनियर सैकेंडरी स्मार्ट स्कूल जीरा। तो अज तुहानूं क्लास प्लस टू का इंटीग्रेशन चैप्टर है वह करवाउण जा रहे हैं। उम्मीद है बच्चे हो तुसीं विंटर ब्रेक तो बाद रैगूलर क्लासेस है जिहड़ियां उह स्टार्ट दे स्कूल दे विच कर दित्तियां होणगीआं, ते तुहाडा जिहड़ा एग्जाम है टर्म वन का जिहड़ा होया वह बहुत ही ईजी सीगा। ठीक है, उम्मीद है वह सारिआं दा ही बहुत वधिया हो गया होगा। तो इस दे नाल ही जिहड़ा अपना अगला सिलेबस है टर्म टू का, उहदे लई अपने कोल बड़ा जिहड़ा घट समा जिहड़ा है वह रह गया है। इस लई आपां हुण पूरी मेहनत दे नाल जिहड़ा अपने अगले चैप्टर हैगे है, ठीक है, उहनां वल आपां ध्यान देना है, जिस विच तुहानूं एमसीक्यू बेस्ड है जिहड़े क्वेश्चन वह नहीं आ रहे इस बार जिहड़े टर्म टू दे विच है। सो चलो शुरू करदे हां आपां अपना अज दा टॉपिक इंटीग्रेशन। अज दे इस लैक्चर दे विच आपां इंटीग्रेशन एज एन इनवर्स प्रोसैस ऑफ डिफरेंशिएशन, स्टैंडर्ड फॉर्मूले ऑफ द इंटैग्रल्स एंड इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन है वह करन जा रहे हैं। सो सब तो पहला आप इंटीग्रेशन समझते हैं इंटीग्रेशन की है। तो सब तो पहला आप इंटीग्रेशन की डेफिनेशन करन जा रहे हैं, इंटीग्रेशन है की। सो इंटीग्रेशन की है बच्चों, एक इनवर्स प्रोसैस है डेरीवेटिव का। ठीक है, सो इंस्टैड ऑफ डिफरेंशिएटिंग ए फंक्शन, हुण आपां किसी फंक्शन का डेरीवेटिव करन की बजाय ये पूछा जाऊगा भी तुसी वो फंक्शन लभो भी जिंदा डेरीवेटिव करन ते वो रकम आई है। जिवें फॉर एग्जाम्पल अपने कोले आपां नूं ये पूछा जाए भी कोस एक्स का एंटी डेरीवेटिव की है। ठीक है, सो कोस एक्स का एंटी डेरीवेटिव का मतलब की है, कोस एक्स किंदा डेरीवेटिव करन ते आया। सो कोस एक्स किंदा डेरीवेटिव करन ते आउंदा बच्चे वो साइन एक्स का। सो इत्थे एंटी डेरीवेटिव ऑफ कोस एक्स की बचे हो साइन एक्स है। सो एंटी डेरीवेटिव बचे हो यूनीक नहीं हुंदा, किवें जे हुण डेरीवेटिव मैं तुहानू कहां इत्थे साइन एक्स प्लस फोर है, इहदा डेरीवेटिव भी की आएगा। कहण दा मतलब कोस एक्स दा एंटी डेरीवेटिव तां साइन एक्स प्लस फोर भी बन रहा। सो इस चीज़ नूं लैके जदों आपां इंटीग्रेशन दे सम सोल्व करिया करांगे, जिवें इत्थे अपने कोले कोस एक्स की जिहड़ी इंटीग्रेशन है वो की आएगी साइन एक्स। ठीक है, मतलब एंटी डेरीवेटिव कोस एक्स साइन एक्स है, पर यह यूनीक नहीं होंदा, इत्थे कॉन्सटेंट होर प्लस फाइव ला लीए प्लस सिक्स ला लीए सोन, कोई भी एरबीटरेरी कॉन्सटेंट आ सकता। सो उस एरबीटरेरी कॉन्सटेंट नूं आपां सी नाल डिनोट करिया करांगे। सो जदों भी आपां इंटीग्रेशन करिया करांगे, सो उदों आपां इंटीग्रेशन तो बाद एक एरबीटरेरी कॉन्सटेंट है जिहड़ा वह ऐड करके नाल लिखिया करांगे। सो अगे होर देखदे हां, हुण इधर देखो ये जिहड़ा प्रोसैस है ओरिजिनल फंक्शन फाइंड करन दा, जिहनूं आपां एंटी डिफरेंशिएशन कह दिंदे हां, इहदीआं कुछ होर एग्जाम्पल्स मैं लईआं इत्थे। जिवें हुण अपने कोले एक्स क्यूब अपॉन थ्री का डेरीवेटिव की है एक्स स्केयर। ठीक है, सो इत्थे एक्स स्केयर डेरीवेटिव किहदा आया, एक्स क्यूब अपॉन थ्री का, मीनस टू से एंटी डेरीवेटिव ऑफ एक्स स्केयर की है एक्स क्यूब अपॉन थ्री, जा इंटी इंटैगरल ऑफ, और इन अदर वर्ड्स एक्स स्केयर की जिहड़ी इंटीग्रेशन है। सो एक नाल लैंदे आपां डी एक्स है जिहड़ा उह नाल लगाया करांगे। सो एक्स स्केयर डी एक्स की इंटीग्रेशन की आई एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस सी, जिवें मैं तुहानूं पिछे दस के आया। सिमिलरली ई एक्स का डेरीवेटिव की है ई एक्स ई रेज टू पावर एक्स। सो हुण एंटी डेरीवेटिव ऑफ ई एक्स भी की बनया, जां कह लो एंटी डेरीवेटिव मीनस इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स भी की बनी ई एक्स प्लस सी। सो सिमिलरली अपने कोले बच्चे होर नैक्सट है जिहड़े उह क्वेश्चन है जिन्हां विच साइन एक्स प्लस टू का डेरीवेटिव कोस एक्स आ रहा। सो जिहड़ी इंटैगरल है कोस एक्स की वह की है साइन एक्स प्लस सी आ रही है। सिमिलरली अपने कोले अगे इत्थे कॉन्सटेंट चेंज है, पर आंसर है जिहड़ा इहदा उह सेम ही आएगा जिवें मैं तुहानूं पिछे दस के आया। सो अगे आपां कुछ फॉर्मूले आ, ठीक है, तुहाडी इह एनसीईआरटी दी बुक दे उपर आपां नूं गिवन है, ये डेरीवेटिव दे रिजल्ट है जिहड़े आपां ऑलरेडी कीते होए आ। ठीक है, सिमिलरली ये तुहाडे कोले इंटीग्रेशन दे रिजल्ट है। ठीक है, मैं एक एक नाल एग्जाम्पल दे के सारे समझा दिना। जिवें हुण सब तो पहला अपने कोले इंटीग्रेशन दा रिजल्ट हैगा वा, आपां इह सेम डेरीवेटिव विच वी कीते आ। डेरीवेटिव दे विच जिवें एक मैं एलैबोरेट करके दस दिना, डेरीवेटिव दे विच आपां की सिखिया एक्स की पावर एन का डेरीवेटिव की होंगे, एन अगे आ जाती होंगी है एक पावर घट जाती है। इंटीग्रेशन दे विच की होना बचे हो, इंटीग्रेशन दे विच एक पावर वध जानी है वह ओवर दे विच आ जाए। ठीक है,
सो जिहड़ियां चीजां प्रोडक्ट च सीगियां उह ओवर च आउंदियां पईआं, जे उह पावर घटदी पई सी इहदे विच वधदी पई है। ठीक है, सो इनवर्स प्रोसैस है। इहदी मैं एग्जाम्पल एक तुहानूं होर दस दिंदा, जिवें एक्स स्केयर डी एक्स दी इंटीग्रेशन आपां करनी है, डेरीवेटिव दे विच टू अगे आ जांदा हुंदा सीगा ते पावर एक घट जांदी सीगी, इहदे विच की होणा बच्चिओ, पावर है जिहड़ी उह एक वध जाणी है, टू प्लस वन थ्री अपॉन थ्री आ जाणा। ठीक है, प्लस सी कॉन्सटेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सिमिलरली वन की इंटीग्रेशन की होएगी, वन कॉन्सटेंट सी उहदा डेरीवेटिव अपने कोले की जीरो हुंदा सी, वन की इंटीग्रेशन की आ जाणी है एक्स नाल, प्लस सी कॉन्सटेंट ऑफ इंटीग्रेशन अपने कोले आ जाया करेगा। सिमिलरली कोस एक्स द डेरीवेटिव माइनस साइन एक्स सीगा। ठीक है, सो बट इहदे विच की है प्लस साइन एक्स है इंटीग्रेशन कोस एक्स दी। सिमिलरली सो ये थोड़ा जा फर्क है। ठीक है, साइन एक्स की इंटीग्रेशन की है माइनस कोस एक्स प्लस सी। सिमिलरली सीकेंट स्केयर टैन एक्स का डेरीवेटिव अपने को सीगा, टैन एक्स का डेरीवेटिव अपने को सी बचो सीकेंट स्केयर एक्स। ठीक है जी, सो जो एंटी डेरीवेटिव सीकेंट स्केयर एक्स का की बनया, इनू आप जो एंजवीन का डेरीवेटिव करिए, टैन एक्स प्लस इतने मैं सी भी लिख ला, तो भी डेरीवेटिव सीकेंट स्केयर एक्स ही रहेगा। सो एंटी डेरीवेटिव ऑफ सीकेंट स्केयर एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्केयर एक्स को बनी टैन एक्स प्लस सी। सिमिलरली सीकेंट स्केयर एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, सीकेंट एक्स टैन एक्स की इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स प्लस सी। सिमिलरली होर अगे रिजल्ट है को, ठीक है, कोरसपोंडिंग डेरीवेटिव है नाल ही होंगे, इंटैगरल्स उन्होंने गिवन है। ठीक है, सो ये रिजल्ट अपनी बुक तो कर लेने हैं। सो आप हम अज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो ये थोड़ी जी फस्ट एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की चैप्टर इंटैगरल्स की, वह कर जा रहे हैं। सो एंटी डेरीवेटिव वाले क्वेश्चन आप डिस्कस कर चुके हैं। हुण सब तो पहला आप इंटीग्रेशन का जिहड़ा है सिक्स सम है तुहाडी फस्ट एक्सरसाइज है वह कर जा रहे हैं। सो जिवें डेरीवेटिव द प्रॉपर्टी हुंदी सीगी, जे एज ए सम टू फंक्शन आए हैं तो कले कले का डेरीवेटिव हो जाता सी, एवें इंटीग्रेशन विच है। ठीक है, सो इन्हां दे कले कले दा अपने कोले जिहड़ी इंटीग्रेशन हो जाणी है कॉन्सटेंट, जिवें डेरीवेटिव दे विचों बाहर आ जांदे सीगे ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣੇ ਆ। ਵਨ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਕਸ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਸੀ ਕੋਨਸਟੈਂਟ ਆਫ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਈ ਦੀ ਥਰੀ ਐਕਸ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਬੱਚੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਈ ਦੀ ਥਰੀ ਐਕਸ ਇੰਟੂ ਥਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਥਰੀ ਹੈ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਬੱਚੇ ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਅਪੋਨ ਥਰੀ ਪਲੱਸ ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਈਜ਼ੀ ਸਮ ਹੈ ਬੱਚੇ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਰਨ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀਤਾ ਉਵੇਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਵਾ ਦਈਏ, ਤੇ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਇੰਟੂ 1 ਬਾਏ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਨਾਲ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ 1 डी एक्स। ठीक है जी, दैन एक्स स्केयर द इंटीग्रेशन अलग होगी, वन द इंटीग्रेशन अलग होगी। एक्स स्केयर द इंटीग्रेशन का आप हमने फॉर्मूला करके आए हैं, की फॉर्मूला सीगा, एक पावर वध जानी है उही ओवर दे विच आ जानी है। डेरीवेटिव बच्चे इनकी प्रैक्टिस बड़ी जरूरी है, जे तुसी प्रैक्टिस नहीं करोगे डेरीवेटिव द इंटीग्रेशन के फॉर्मूले तुहाडे कोल मिक्स हो जाने हैं। ठीक है, तुसी ओ सॉल्व सम सॉल्व करते करते विच ही डेरीवेटिव का फॉर्मूला यूज कर लिया करना, सो सवाल गलत हो जाना। सो इस लई इन्हां दे फॉर्मूलेज जिहड़े लर्न करने आ, ते वध तों वध सम्स आ जिहड़े ओह प्रैक्टिस करने आ, तां कि तुहानूं ओह चंगी तरह याद हो सकन किहड़ा फॉर्मूला किवें अपलाई करना। सो इह अपने कोले किहड़ा फॉर्मूला लग रहिंदे ते एक्स रेज टू पावर एन दा, ठीक है, ओह की हुंदा सीगा, एक पावर वध जाणी है उही ओवर दे विच आ जाणी है माइनस एक्स प्लस सी। सो इह तुहाडा आंसर आ गया। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन ते चलदे आ। हांजी बच्चिओ, इत्थे आपां ए माइनस बी होल स्केयर का फॉर्मूला अपलाई कर दिए। सो पहले इन सिंपलीफाई कर लें, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी। सो ये रूट न रूट कैंसल, ए भी इन्हें कैंसल, ए भी तुहाडे कोल की आ जाएगा वन द स्केयर वन अपॉन रूट एक्स द स्केयर एक्स ही आ जाएगा माइनस टू। सो ए अपने कोले इंटैगरल किंदे इक्वल आ गया, मैं इत्थे लिख दिंदा उपर ही एक्स प्लस वन बाय एक्स माइनस टू। ठीक है जी,
सो ए एक्स जी ऊपर पावर वन है, सो इन मैं अलग अलग करके नहीं सीधा ही इंटैगरल कर लगा मैं, एक्स की पावर वन एक पावर बच जाएगी ओवर दे विच, वन बाय एक्स डेरीवेटिव ऑफ लॉग एक्स अपने को ले की हुंदा सी बच्चे वन अपॉन एक्स, सो एंटी डेरीवेटिव ऑफ वन बाय एक्स कह लो जां कह लो वन बाय एक्स की इंटीग्रेशन की बनी फिर लॉग एक्स, ठीक है जी, नाल प्लस सी कॉन्सटेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सो लॉग एक्स माइनस टू कॉन्सटेंट बाहर आ जाना, अंदर अपने को की है वन रह जाना, ठीक है जी, वन की इंटीग्रेशन अपने को की होंगी है एक्स प्लस सी, सो टू है जो बच्चों जिम्मे डेरीवेटिव के बाहर कड़ते हैं उम्मी इन टू बाहर कट गए उनके जो कला कॉन्सटेंट हो डेरीवेटिव जीरो होंगे सी इन्हें की है जिम्मे फॉर एग्जाम्पल कला टू है उनकी इंटीग्रेशन है टू बाहर आ जाना वन इंटू डी एक्स, सो ए टू एक्स, सो इस तरह आया है, ठीक है जी। सो एक टेंथ क्वेश्चन आप इस तरह करना सीगा, ये बहुत ईजी सम्स है। नैक्सट क्वेश्चन पर चलते हैं, हाँ जी, ए ओवर दे विच एक्स स्क्वेयर आ गया, इनू आप डिनोमीनेटर अलग अलग करके लिख लिए, एक्स क्यूब के ओवर विच भी आ जाना अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस फोर अपॉन एक्स स्क्वेयर, ठीक है जी। सो उस तो बाद ए अपने को एक्स रह जानी है कली भी, ए कैंसल आउट हो गई, एक्स इंटीग्रेशन अलग अलग करके लिख दी एक्स डी एक्स प्लस फाइव बार ए वन इंटू डी एक्स, इन माइनस फोर बार ए एक्स ओवर टू, ए ओवर दे विच टू है, ए उपर जाके एक्स रेज टू बार माइनस टू हो जाना बच्चे, ठीक है जी। हुण इन्हां दी इंटीग्रेशन कर दीए, ए पावर एक वध जानी है, एक दे विच एक जोड़िया दो उही ओवर दे विच प्लस ए वन एक्स, वन दी इंटीग्रेशन एक्स, ठीक है। सो माइनस फोर ए इंटू माइनस टू प्लस वन, माइनस वन हो जाना पावर एड होनी है, सो उही ओवर दे विच आनी है, ठीक है जी। सो ए माइनस टू प्लस वन माइनस वन, नीचे भी माइनस वन प्लस सी कॉन्सटेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ए माइनस माइनस प्लस हो गए फोर, ए एक्स की पावर माइनस वन है, नीचे आके की हो जाएगी प्लस ही हो जाएगी। सो ये क्वेश्चन बच्चे आप इस तरह जरा की है सोल्व करना सीगा, बहुत ईजी सम्स है। हुण ए नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं, इन्दे विच भी आप करा बच्चे रूट एक्स नूं आप लिख सकते हुंदे आ एक्स की पावर वन बाय टू, सो इत्थे भी जिवें आपां इह क्वेश्चन कीता इलेवंथ सेम उसे तरह वन बाय टू प्लस थ्री एक्स की पावर वन, वन बाय टू प्लस फोर अपॉन एक्स की पावर वन बाय टू डी एक्स। सो हुण बेस ए डिविजन है ओवर द मीन, सो बेस सेम है डिविजन, इन पावर की हो जाएगी माइनस, इंटीग्रेशन अलग अलग कर दिए थ्री कॉन्सटेंट बार वन माइनस वन बाय टू, सेम जिमें क्वेश्चन किया उन्हें नाल ही है प्लस फोर, ए भी पावर उपर जाके माइनस वन बाय टू डी एक्स होगी भी। हुण ए तुहाडे कोले थ्री टू द सिक्स माइनस वन फाइव बाय टू आ जाएगा प्लस थ्री, वन माइनस वन बाय टू ए वन बाय टू आजूगा फोर, माइनस वन बाय टू दे विच वन ऐड किया ए वन बाय टू, ए तो बच्चे इन्दे विच तां ए तां इंटीग्रेशन एज इट इज़ ही हो जानी है, इन्हूं एक बार आप एंज ही रखते हैं, ए इंटीग्रेशन अगले स्टैप दे विच आपां नाल ही कट्ठी सारे दी कर देंगे। सो इत्थे मैं नहीं करन जा रहा, पहले मैं इत्थे करन लगा सीगा। सो इन्दे विच फाइव बाय टू दे विच वन ऐड किया, फाइव बाय टू दे विच वन ऐड करांगे तां फाइव टू सैवन बाय टू बन जाना बच्चे, ये नीचे भी सैवन बाय टू प्लस थ्री इंटू वन बाय टू दे विच वन ऐड किया थ्री बाय टू, ओवर दे विच उही जिहड़ी पावर दे विच रकम आनी है उही नीचे डिनोमीनेटर च आनी है प्लस फोर, इन्दे विच माइनस एक्स की पावर माइनस वन बाय टू दे विच वन ऐड करांगे वह की आ जाना वन बाय टू, ओवर दे विच भी वन बाय टू प्लस सी। हुण ए टू है जिहड़ा उपर मल्टीप्लाई हो जाना ए सैवन नीचे ए थ्री नाल थ्री कैंसल, ए टू उपर ए टू भी फोर नाल मल्टीप्लाई हो जाना जाके एट, सो ए तुहाडा आंसर आ गया, ठीक है। सो इस तरह के क्वेश्चन आप
ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਕੈਨਸਲ ਆਊਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਲਾ ਆਫ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਸੋਲਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ ਬੱਚਿਓ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੀਕੈਂਟ ਐਕਸ ਨੂੰ ਸੀਕੈਂਟ ਐਕਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੀਕੈਂਟ ਸਕੁਅਰ ਐਕਸ ਡੀਐਕਸ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਸੀਕੈਂਟ ਐਕਸ ਇੰਟੂ ਸੀਕੈਂਟ ਐਕਸ, ਸੀਕੈਂਟ ਸਕੁਅਰ ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਸੀਕੈਂਟ ਐਕਸ ਨੂੰ ਟੈਨ ਐਕਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੀ, ਸੀਕੈਂਟ ਐਕਸ ਟੈਨ ਐਕਸ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਰਤੀ, ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ ਟੈਨ ਐਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੀਕੈਂਟ ਸਕੁਅਰ ਐਕਸ, ਤੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ ਸੀਕੈਂਟ ਐਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੀਕੈਂਟ ਐਕਸ ਟੈਨ ਐਕਸ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਐਂਟੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ ਸੀਕੈਂਟ ਸਕੁਅਰ ਐਕਸ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਟੈਨ ਐਕਸ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੀਕੈਂਟ ਸਕੁਅਰ ਐਕਸ ਕੀ ਬਣੀ ਟੈਨ ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਸੀਕੈਂਟ ਐਕਸ ਟੈਨ ਐਕਸ ਦਾ ਐਂਟੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਸੀਕੈਂਟ ਐਕਸ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸੀਕੈਂਟ ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਸੀ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀਕੈਂਟ ਸਕੁਅਰ ਐਕਸ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖ ਲਈ, ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਟੈਨ ਐਕਸ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਟੈਨ ਸਕੁਅਰ ਐਕਸ ਦੀ, ਸਾਈਨ ਸਕੁਅਰ ਐਕਸ ਦੀ, ਕੋਸ ਸਕੁਅਰ ਐਕਸ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੇਅਰ ਤੇ ਕਿਊਬ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਟੈਨ ਸਕੇਅਰ ਐਕਸ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੈਨਥ 'ਚ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਨ ਸਕੇਅਰ ਐਕਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੀਕੈਂਟ ਸਕੇਅਰ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ 1 ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸੀਕੈਂਟ ਸਕੇਅਰ ਐਕਸ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕਰ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਟੈਨ ਐਕਸ, ਤੇ 1 ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਕਸ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟੈਨ ਸਕੇਅਰ ਐਕਸ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣੇਗੀ ਟੈਨ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਕੈਂਟ ਸਕੇਅਰ ਐਕਸ ਦੀ ਤੇ ਟੈਨ ਸਕੇਅਰ ਐਕਸ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ। ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਬੱਚਿਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਈ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਏ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਏ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ 2x ਅਪੋਨ 1 ਪਲੱਸ x ਸਕੁਅਰ ਦੀ। ਸੋ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖੋਗੇ ਨੀਚੇ ਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ 1 ਪਲੱਸ x ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1 ਦਾ 0, x ਸਕੁਅਰ ਦਾ 2x। ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ 1 ਪਲੱਸ x ਸਕੁਅਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 1 ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 0, x ਸਕੁਅਰ ਦਾ 2x। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖੋਗੇ ਨੀਚੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਪਰੋਂ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਣਗੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਊਮੀਰੇਟਰ ਤੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਟਾਈਪ ਹੋ ਗਈ, ਜੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਡੈਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਦੋਂ ਆਉਣ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਮੈਥਡ ਆ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪੁੱਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ 1 ਪਲੱਸ ਐਕਸ ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਟੀ, ਇਹਨੂੰ ਟੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀਤਾ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਔਨ ਬੋਥ ਸਾਈਡ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਐਕਸ, ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ 1 ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 0, x ਸਕੁਅਰ ਦਾ 2x, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਧਰ dt / dx ਆ ਗਿਆ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2x dx ਚਾਹੀਦਾ। dx ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, dx ਇਹ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਉਧਰ ਨਾਲ 2x ਦੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। 2x dx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ dt। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਲੈਟ ਸੇ ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ 1, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਇਨ 1 ਕਰ ਦਿਓ, ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ। ਸੋ 2x dx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ dt, 1 ਪਲੱਸ x ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ t। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, dx upon x ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲੌਗ ਆਫ ਮੋਡੂਲਸ x ਪਲੱਸ c। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਲੌਗ ਆਫ ਇੱਥੇ t ਆਏਗਾ ਬੱਚਿਓ, ਇੱਥੇ t ਆਏਗਾ ਪਲੱਸ c,
टी की वैल्यू फिल कर दो, टी अपने को वन प्लस एक्स स्क्वायर। सो मॉडुलस लॉग देके क्यों लगाई था, क्योंकि नैगेटिव वैल्यूज का मॉड है जो नैगेटिव वैल्यूज का लॉग है जो नहीं एग्जिस्ट करता। सो ये आप इस तरह क्वेश्चन करना सी। सो इस तरह ही आह क्वेश्चन है तुहाडे कोले सैकेंड लॉग एक्स, सैकेंड क्वेश्चन है लॉग एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। ये आप हमने गल करके आए हैं जे ये प्रोडक्ट च इस तरह आप लिख सकते हैं डी एक्स बाय एक्स, यह फंक्शन हो गया लॉग एक्स, ठीक है, नाल उनका डेरीवेटिव वन बाय एक्स पिया वे, जहाँ कह लो डी एक्स अपॉन एक्स पे, इनू आप वन बाय एक्स करके भी लिख सकते हैं। तो इतने तुम की करो, पुट लॉग एक्स इक्वल्स टू टी, लॉग एक्स नू टी पुट कर लिया, डेरीवेटिव कर दिए बोथ साइड विद रिस्पैक्ट टू एक्स, ये वन अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी आ गया, मतलब डी एक्स बाय एक्स की वैल्यू डी टी इन दी आ गई। सो ये तुहाडे कोले टी का स्केयर इंटू डी टी आ गया। सो इन आप लिख सकते हैं, पावर एक बढ़ जानी है उही ओवर दे विच आ जानी है प्लस सी, ठीक है। सो इतने टी की वैल्यू फिल कर दो, टी की वैल्यू की है लॉग एक्स। सो ए इन आंसर यह आ गया। हुण मैं तुहानू दूसरे तरीके करवाना, जिहड़ा मैं तुहानू फॉर्मूला कहा सीगा, आपां इहदे एक फॉर्मूला भी ड्राइव करके अपलाई कर सकते हैं। वह फॉर्मूला की है एफ एक्स दी पावर एन इंटू एफ डैश एक्स, जे हो तो की है फंक्शन हो जड़ा उनकी पावर एक बढ़ जाती है उ एन प्लस वन ओवर दे विच आ जाता है। सो इतने अपने को फंक्शन सीगा उनकी पावर दो सी, नाल उनका की पिया सीगा डेरीवेटिव। सो ये फंक्शन इतने लॉग एक्स सीगा, ठीक है, लॉग एक्स का डेरीवेटिव वन ओवर एक्स, ये नाल प्रोडक्ट ओवर दे प्रोडक्ट दे विच पिया। सो ये तुहाडे कोले की है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला आ जिहड़ी पावर है ये एक बढ़ जानी है उही ओवर दे विच आ जानी है, ये तुहाडा आंसर आ गया। देख सकते हो तुसीं इत्थे भी आंसर सेम ही है, एवें जिहड़ा पिछला क्वेश्चन किया, ठीक है, जिहड़ा पिछला क्वेश्चन तुसीं किया उहदे ते किवें फॉर्मूला लगना सीगा, फस्ट क्वेश्चन जिहड़ा तुसीं करके आए हो वह भी मैं तुहानूं जिहड़ा की है फॉर्मूले दे नाल दसदा, उहदे ते किहड़ा फॉर्मूला वर्क करना सीगा। उन्हें तो फॉर्मूला अपने को जे नीचे फंक्शन हो उपर उनका डेरीवेटिव हो लॉग ऑफ एफ एक्स है जोड़ा वो रिजल्ट आ जाता, ठीक है। सो इत की देखोगे टू एक्स है आई अपने को क्वेश्चन, ये फंक्शन है इनका उपर डेरीवेटिव पे तो अकॉर्डिंग टू अबव फॉर्मूला अपने को आंसर की आ जाना लॉग ऑफ मॉडलस एफ एक्स, ठीक है, ये लॉग ऑफ इतने एफ एक्स किन्ना वन प्लस एक्स स्केयर। सो ये तुहाडा आंसर आ गया। सो ये फॉर्मूले रिजल्ट तुसीं याद रखने हैं, अगर जो लेंथी क्वेश्चन आ जाते हैं फिर उदो आप इंज पुट करके नहीं करते होंगे, सीधे ही ये फॉर्मूले अपलाई करके क्वेश्चन जो आप रिजल्ट उनका लै लें, ठीक है। अगे नैक्सट क्वेश्चन आ गया अपने को इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स साइन कॉस एक्स डी एक्स। हुण बच्चे एक चीज़ का ध्यान रखना, ये आइडेंटिफाई करना बड़ा जरूरी है भी कि चीज़ में आप पुट करना, ठीक है, ये चीज़ प्रैक्टिस नाल तुहानू पता लगती है। जिवें हुण जां इत्थे आपां की देखते हैं जिहड़ा डी एक्स दे नाल रकम प्रोडक्ट दे विच पई है वो नहीं पुट हुंदी, ठीक है, जिवें हुण इत्थे साइन एक्स ने नहीं पुट होना, इहनू जे मैं इंज लिख लां जिहड़ी रकम डी एक्स दे नाल पई है वह नहीं आपां पुट करनी हुंदी। उस तों इलावा जिवें इत्थे हुण कोस एक्स पुट हो रहा, पुट कोस एक्स इज इक्वल्स टू टी, इहदा डेरीवेटिव करिए कोस एक्स का डेरीवेटिव माइनस साइन एक्स, इधर डी टी बाय डी एक्स आ जाना। सो डी एक्स आप इधर उपर लै जाना, ठीक है, इधर डी टी बाय डी एक्स होना सी, डी एक्स इधर मल्टीप्लाई कराता माइनस उधर लै जाइए। सो कहन का मतलब की होया कि तुहाडे कोले की आ गया साइन टी साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी माइनस बार लै गए साइन टी डी टी। हाँ जी बोलो जी, साइन की इंटीग्रेशन, हाँ ध्यान रखना है कॉस नहीं होंगी कल्ली माइनस होंगी है, ठीक है, साइन टी की इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी होनी है, ठीक है, क्योंकि ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं डेरीवेटिव साइन का, जो डेरीवेटिव कॉस होंगे
ਤੇ cos ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਮਾਈਨਸ sin x ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ sin ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਈਨਸ ਲੱਗਣਾ ਸੋ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ cos t ਹੋਣਾ ਪਲੱਸ c ਸੋ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਏ cos t ਪਲੱਸ c ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਲ ਕਰ ਦਈਏ t ਆਪਾਂ cos x ਨੂੰ ਲੈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਸੋ ਇਹ ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਕਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7 ਤੇ ਹਾਂਜੀ x ਰੂਟ x ਪਲੱਸ 2 dx ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈ ਰੂਟ x ਪਲੱਸ 2 ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ t ਪੁੱਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੋ ਐਵੇਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸੋ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਬੋਥ ਸਾਈਡ ਕਰ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ t ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਬੋਥ ਸਾਈਡ ਕੀਤਾ x + 2 = t² ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਕੇਅਰ ਨਾਲ ਰੂਟ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਲਓ ਔਨ ਬੋਥ ਸਾਈਡ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 0 2 ਦਾ 0 x ਦਾ 1 ਸੌਰੀ 2 ਦਾ 0 t² ਦਾ 2t dt / dx dx ਇਧਰ ਲੈ ਜਾਈਏ ਸੋ dx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ 2t dt ਸੋ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਥੋਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ t² - 2 ਆ ਗਈ ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ x ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ t² - 2 ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਰੂਟ x + 2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ t ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ dx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਈ ਹੈ 2t dt ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ t ਨੂੰ t ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ t² ਆ ਜਾਣਾ ਸੋ ਇਹ 2t² ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ t² - 2 dt ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਇਹ 2t ਦੀ 4 - 4 t² ਆ ਗਿਆ 2 ਬਾਰ t ਦੀ 4 ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਹੋਗੀ ਮਾਈਨਸ 4 ਬਾਰ t² ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਹੋਗੀ ਇਹ 5 ਅਪੋਨ 5 ਸੋ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ t ਦੀ 4 ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਉਹੀ ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪਲੱਸ c ਇੱਥੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਲ ਕਰ ਦਈਏ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ x ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ x + 2 2 ਦਾ ਮਤਲਬ 1/2 ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਜਦੋਂ 2/5 t ਦੀ ਵੈਲਿਊ x + 2 1/2 * 5 ਆਏ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕੀ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ ਇਹ 5/2 ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟੈਪ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ x + 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 1/2 ਆਉਣੀ ਸੀਗੀ 1/2 * 3 3/2 ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੋ ਪਲੱਸ c ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ 4x + 2 ਰੂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ x² + x + 1 ਸੋ ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 2x + 1 ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ 4x + 2 ਪਿਆ ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕਾਮਨ ਕੱਢਿਆ ਇਹ 2x + 1 ਰਹਿ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ ਆ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰਮ ਪੁੱਟ x² + x + 1 = t ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ 2x + 1 ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ 1 ਦਾ 0 ਇਧਰ t ਦਾ dt / dx dx ਇਧਰ ਲੈ ਆਈਏ ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ 2x + 1 ਤੇ dx ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਾਂ dt ਬਣ ਗਏ x² + x + 1 ਇਹ t ਹੈ ਇਹ ਅੰਦਰ ਰੂਟ ਦੇ t * dt ਆ ਗਿਆ ਸੋ t ਰੂਟ t ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ t ਦੀ ਪਾਵਰ 1/2 * dt ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਵਧਾ ਦਈਏ 1/2 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਐਡ ਕੀਤਾ 3/2 ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਪਲੱਸ ਹੀ ਇਹ 2 3 ਨਾਲ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੋ ਇਹ 2 * 2 ਇਹ ਕੀ ਹੈ 4/3 t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ x² + x + 1 ਦੀ ਪਾਵਰ 3/2 ਪਲੱਸ c ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਸੋ ਇਹ 9th ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ 12th ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ x ਦੀ ਕਿਊਬ - 1 1/3 x 5 dx ਸੋ ਇਸ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਆ
ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਜੇ x ਦੀ ਕਿਊਬ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ 3x ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ x ਸਕੁਅਰ ਪਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ x ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ x ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਇੰਟੂ x ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਆਫ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟ ਆ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਪੁੱਟ ਹੋਏਗਾ, x ਕਿਊਬ ਮਾਈਨਸ 1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ t ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀਤਾ 3x ਸਕੁਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਦਾ 0 dt / dx, dx ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਏ, x ਸਕੁਅਰ dx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ, dt / 3। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ x ਕਿਊਬ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਊਗੀ, ਆ 1 ਨੂੰ ਉਧਰ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਇਹ t + 1 ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਆਪਾਂ x ਕਿਊਬ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊਸ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਆ। x ਕਿਊਬ ਮਾਈਨਸ 1 ਨੂੰ ਕੀ ਆ t, ਇਹ t ਦੀ ਪਾਵਰ 1/3। x ਕਿਊਬ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ t + 1, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ x ਸਕੁਅਰ dx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ which is dt / 3। ਸੋ 1/3 ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਈਏ t ਦੀ ਪਾਵਰ 1/3 ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਇਆ t ਨਾਲ ਪਲੱਸ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ t ਦੀ 1/3 ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ dt। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਬੇਸ ਸੇਮ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਐਡ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ 1/3 ਐਡ ਕੀਤਾ, ਇਹ 4/3 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਡੀ ਟੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਈਏ, ਆ 1/3 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ t ਦੀ ਪਾਵਰ 1/3 ਡੀ ਟੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਇਹ 4/3 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਐਡ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਆ। 4/3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ, 7/3 ਆ ਜਾਣਾ, 3-1 ਦਾ 3 ਤੇ 4 7, 7/3 ਆ ਜਾਣਾ। ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 7/3 ਪਲੱਸ 1/3, ਇੱਥੇ 1/3 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਐਡ ਕਰੋਗੇ 4/3/4/3 ਪਲੱਸ ਸੀ, ਇਹ 3 ਨਾਲ 3 ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ, ਇਹ 3 ਨਾਲ 3 ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫੋਰਮ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਲ ਕਰ ਦਈਏ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ 3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ 1/7। ਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਐਕਸ ਕਿਊਬ ਮਾਈਨਸ 1 7/3 ਪਲੱਸ 1/4, ਐਕਸ ਦੀ ਕਿਊਬ ਮਾਈਨਸ 1 4/3 ਪਲੱਸ ਸੀ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਆਨਸਰ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 13, x ਸਕੁਅਰ dx / 2 + 3 x ਕਿਊਬ q। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 2 + 3 x ਕਿਊਬ ਨੂੰ t ਪੁੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀਤਾ, 2 ਦਾ 0 3 ਕੋਨਸਟੈਂਟ, x ਕਿਊਬ ਦਾ 3 x ਸਕੁਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਧਰ dt / dx, dx ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਈਏ, dt 3 ਦਾ 9, ਇਹ 9 ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਹ dt ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਫਿਲ ਕਰੀਏ ਵੈਲਿਊ ਸਾਰੀਆਂ, x ਸਕੁਅਰ dx ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ dt / 9, 2 + 3 x ਕਿਊਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ t ਮੰਨਿਆ, t ਦੀ ਪਾਵਰ 3, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 9 ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਨਸਟੈਂਟ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, t ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਹੈ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਮਾਈਨਸ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਐਡ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹੀ ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਮਾਈਨਸ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਐਡ ਕੀਤਾ ਮਾਈਨਸ 2, ਮਾਈਨਸ 2 ਪਲੱਸ ਸੀ, ਸੋ 9 ਇੰਟੂ ਮਾਈਨਸ 2 ਮਾਈਨਸ 1/18, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਟੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨੀਚੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟੀ ਕੀ ਸੀਗਾ, 2 + 3 ਐਕਸ ਕਿਊਬ ਉੱਪਰ ਸਕੇਅਰ, ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 13 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂ ਐਕਸ dx / 9 - 4x ਸਕੁਅਰ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਐਕਸ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 2x ਹੁੰਦਾ, ਦੈਟ ਮੀਨ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਪਰ ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਗਜੈਕਟਲੀ ਸੇਮ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਪੁੱਟ 9 - 4x ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ t, ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰੀਏ ਇਹਨੂੰ, 9 ਦਾ 0, 4x ਸਕੁਅਰ ਦਾ 2x
इधर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक है जी, ए माइनस फोर इंटू टू माइनस एट एक्स, डी एक्स इक्वल टू डी टी, एक्स डी एक्स इक्वल आ गया डी टी बाय माइनस एट के उपर हम वैल्यूज फिल करिए इंटैगरल एक्स डी एक्स डी टी अपॉन माइनस एट ओवर नाइन माइनस फोर एक्स स्क्र ए टी है माइनस वन अपॉन एट बार कॉन्सटेंट टर्म आ गई ये अपने को वन अपॉन टी की इंटीग्रेशन की आ जाएगी लॉग ऑफ मॉडलस टी प्लस सी इतने आप करिए हम टी की वैल्यू फिल कर दी है टी की वैल्यू की है नाइन माइनस फोर एक्स स्क्र द मॉडलस प्लस सी ए तुहाडा आंसर आ गया। सो क्वेश्चन नंबर 15 है जिहड़ा आपां इस तरह सोल्व करना सी। नैक्सट है क्वेश्चन नंबर 16 e की पावर 2x प्लस 3 dx। हाँ जी, सो इनू आपां किस तरह सोल्व करना, सो इन दे विच बच्चे उही 2x प्लस 3 नू t पुट कर लो, पुट 2x प्लस 3 इज इक्वल टू t, ठीक है जी। सो इनका डेरीवेटिव किया, डेरीवेटिव ऑन बोथ साइड ए टू एक्स का वन कॉन्सटेंट जीरो, ए डी टी बाय डी एक्स आए ना डी एक्स नू उधर लै जाइए, ठीक है जी, ए टू डी एक्स कहते इक्वल आ गया डी टी दे, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन टू आ गया, ठीक है जी। सो उस तो बाद इनू आप लिख लीए, आप हम ई की पावर टी इन टू डी टी बाय टू इस तरह लिख सकते हैं, ये वन बाय टू बार ई दी टी डी टी, सो आप इनकी इंटीग्रेशन हमने करके आए थे ई दी एक्स इंटीग्रेशन की होंगी है ई दी एक्स ही, सो इतने अपने को सॉरी टी लिखा आप क्योंकि टी है उपर प्लस सी, ठीक है। सो इतने टी की वैल्यू फिल कर दीए, सो टी की इतने अपने को वैल्यू की है टू एक्स प्लस थ्री प्लस सी, सो इस क्वेश्चन आप इस तरह सोल्व करना सी। नैक्सट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, हाँ जी, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर टैन इनवर्स एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सो इस क्वेश्चन आप बच्चे किमें सोल्व करा, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। सो ये जो वन प्लस एक्स स्क्वायर है वन ओवर के अलग लिख लिया, सो अपन पता टैन इनवर्स एक्स का डेरीवेटिव की होंगे वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर, सो अपने उतो हिंट मिल गया आप पुट कि करना है टैन इनवर्स एक्स न टी पुट करना है, जो डेरीवेटिव किया टैन इनवर्स एक्स का वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर इधर डी टी बाय डी एक्स, डी एक्स इधर लिया ही है, सो ए डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर ए सारी टर्म तुहाडे कोल की बन गई डी टी बन गई, इनू ई दी पावर टी इन टू डी टी लिख लिया, सो ई दी पावर टी द इंटीग्रेशन ई दी पावर टी प्लस सी, इतने टी की आप वैल्यू लिख दीए विच इज टैन इनवर्स एक्स प्लस सी, सो इस क्वेश्चन आप इस तरह सोल्व करना सी। नैक्सट क्वेश्चन से चलते हैं, हाँ जी, जो अपने को बच्चे हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन न्यूमिनेटर के डिनोमिनेटर में आ जाए उदों थोड़ा जो क्वेश्चन बड़े ध्यान करना होंगे, सो इस क्वेश्चन देखते हैं किमें करना है। सो आप जिंदा डेरीवेटिव देखिए तो टू ई दी टू एक्स बन रहा पर उपर वो नहीं है, सो जे इतने आप डिवाइड करते हैं न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ई रेज टू पावर एक्स नाल तो देखो की एक्सप्रैशन बनता है, इन भी आप ई की पावर एक्स नाल डिवाइड कर लिया, डिनोमीनेटर भी आप है ई की पावर एक्स नाल डिवाइड कर लिया, सो डिवाइड करन तो बाद अपने को बन गया बच्चे ए ई की पावर एक्स रह जानी है टर्म, ए ई की पावर माइनस एक्स रह जानी है एवें नीचे, ए ई की एक्स रह जानी है ए ई की पावर माइनस एक्स रह जानी है, ठीक है जी। सो हुण ए फंक्शन इनका डेरीवेटिव देखते हैं, ई की पावर एक्स का डेरीवेटिव ई की पावर एक्स ही, ई की पावर माइनस एक्स का डेरीवेटिव माइनस ई की माइनस एक्स, सो इतने आप किनू ए फंक्शन हो गया ए उपर आंदा की हो गया डेरीवेटिव, चाहे तो तुसी सीधा इतने जो मैं फॉर्मूला लिखाया से जो थले फंक्शन हो उपर डेरीवेटिव हो लॉग ऑफ फंक्शन आंसर आ जाता, चाहे तो सीधा आंसर ये लिख दो और इन अदर वर्ड्स इनू की है आप टी पुट कर लिए डिफरेंशिएट किया ई दी एक्स का ई दी एक्स इनका ई दी माइनस ई दी माइनस एक्स नाल डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ गया, ठीक है जी। सो ए उपर न्यूमिनेटर है जो डी टी बन गया, नीचे डिनोमिनेटर है वह टी बन गया, ए लॉग ऑफ टी आ गया प्लस सी कॉन्सटेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सो टी की वैल्यू इतने आप फिल कर दीए विच इज ई एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस सी। सो इस तरह के क्वेश्चन बचे आप सॉल्व करने का तरीका यह है, उम्मीद है तुम्हें अज का लैक्चर वधिया लग्या होगा,
सो इन दे नाल दे जिहड़े क्वेश्चन है तुसीं उह जिहड़ियां फर्स्ट टू एक्सरसाइज तों आ जिहड़े मैं नहीं करवाए उह तुसीं कंप्लीट कर लेने आ। सो अज दे लैक्चर लई इन्ना ही, तुहाडे सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद।